बिहार शरीफ शहर पंडित गली स्थित ओपन स्काई प्राइमरी स्कूल कैंपस में आज बच्चों ने दीपावली के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एक से बढ़कर एक बेहतरीन अनमनमोहक रंगोली बनाया। उसके बाद बच्चों ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया। स्कूली बच्चों ने इस दिवाली को बनाया खास। दिवाली देखिए, इस मौके पर स्कूल के निर्देशक श्याम कुमार और छात्र छात्राओं ने देशवासियों को क्या शुभकामनाएं दी। कैंडल हम लोग इसलिए जला रहे हैं कि ये कैंडल उन वीर शहीदों के और उन कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हम कर रहे हैं जिनके वजह से आज हम घर पे सुरक्षित हैं। इसलिए हम लोग कैंडल जलाकर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीपावली के अवसर पे हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने देशवासियों को, मोहल्ले वासियों को, शहर वासियों को कि विगत वर्ष हम लोग बहुत से कष्ट झेले हैं। कोरोना वायरस हैं और भी महामारी हैं, तो इस बार हम लोग यही सोचे हैं कि पटाखे नहीं जलाना है। पटाखे जलाने से नॉर्मल पॉल्यूट होती है। घर पे रहें, लोग अपने परिवार के साथ रहें, जितना से जितना कम हो सके बाहर कम निकले, यही हम संदेश देना चाहते हैं। तथा ओपन स्काई प्राइमरी स्कूल की तरफ से देशवासियों को दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दीपावली के अवसर पर रंगोली बना रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं। आपसे यही अपील है कि क्रैकर्स ना जलाएं। क्रैकर जलाने से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दीपावली के अवसर पर रंगोली और कैंडल जला रहे हैं। हम लोग आपसे यही अपील करते हैं कि आप पटाखा ना जलाएं, उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। थैंक यू। दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दीपावली में रंगोली और कैंडल जला रहे हैं। आपसे यही अपील है कि क्रैकर्स ना जला। क्रैकर्स जलाने से एनवायरनमेंट पॉल्यूट होती है। थैंक यू। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दीपावली हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप लोग से यही अपील है कि पटाखे नहीं फोड़ें, क्योंकि पटाखे फोड़ने से बीमारियां फैलती है और बीमारियां फैलने से हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। हम लोग दीपावली हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हम आपसे यही अपील है कि आप क्रैकर्स ना जलाएं और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करें, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है तो हमारा स्वास्थ्य हेल्थ ठीक नहीं रहता है।